नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीकेंड न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। शाहरुख खान की पठान आने से पहले विवादों के घेरे में फंसी हुई है और लगातार उसका विरोध हो रहा है, चाहे हिंदू संगठन हो या मुस्लिम संगठन। अब दोनों ही पठान के विरोध में, पुरजोर विरोध में खड़े हो गए हैं, उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। लगातार फिल्म के बहिष्कार की मांग उठ रही है और जो एक हिंदू संगठन है, साथ ही साथ यहाँ पर एक महंत हैं राजू दास, जो कि अयोध्या के महंत हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया था लोगों को कि अगर जिस भी थिएटर में ये फिल्म लगाई जाए उसको फूंक दो। और साथ ही साथ मुस्लिम संगठन भी सड़कों पर उतरकर शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं और जो गाना है फिल्म का बेशरम रंग, उस पर भारी बवाल मचा हुआ है कि उसने आरोप ये है कि उसमें भगवा का अपमान किया गया है। दीपिका पादुकोण आप देख सकते हैं भगवा कपड़े में उस फिल्म में दिखाई गई है, पूरा बवाल मचा हुआ है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पठान का समर्थन कर रहे हैं। जी हाँ, ये दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। आपको बताएंगे कैसे। आप ये तस्वीरें देखिए, एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है जिसमें योगी आदित्यनाथ अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, सोफे पर आराम से बैठे हुए हैं और सामने टीवी लगा हुआ है, टीवी में पठान का पोस्टर लगा हुआ है। अब ये पठान का पोस्टर, ये जो तस्वीर है, जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आई, लोगों के रिएक्शन भी सामने आ गए। दरअसल आपको बता दें कि ये जो फोटो है, ये एक अनिकेत नामक एक ट्विटर हैंडल है, उससे पोस्ट की गई है। अब जैसे ये तस्वीर पोस्ट हुई, उसके बाद लोगों के कमेंट आना शुरू हो गए। लोगों ने इस अनिकेत नामक जो भी ट्विटर यूजर है उसको लताड़ लगाना शुरू कर दिया। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि तुम्हारा फोन डालो कूड़े में, कहां से लाए हो ये घटिया फोन। अब एक और यूजर है, उन्होंने लिखा एडिट पोस्ट भी कहां कर रहा है विनोद। एक और यूजर है, उसने लिखा कि एक घंटे और ले लेता भाई, पर एडिट तो सही से करता। तो ये ऐसे तरह तरह के जो रिएक्शन है इस पोस्ट पे सामने आ रहे हैं। अब क्या ये तस्वीर असली है और क्या सच में योगी आदित्यनाथ ने पठान का समर्थन किया है, क्या लगता है आपको? हम इसकी सच्चाई हम आपको पीछे से बता देते हैं कि इसकी आखिर पीछे की सच्चाई क्या है। दरअसल कल फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में बहुत ही शानदार एक मैच खेला गया, फाइनल मैच खेला गया। और उस पूरे घमासान मैच के बाद अर्जेंटीना ने 36 सालों के बाद जो खिताब है वो अपने नाम किया। मेसी ने एक शानदार जो है यहाँ पर पारी खेली और उसके बाद अपनी टीम को एक बार फिर विश्व विजेता बना दिया। जो अर्जेंटीना है वो एक बार फिर 36 सालों बाद विश्व विजेता बन गई। लेकिन ये तस्वीर है, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ अपने लखनऊ आवास पर बैठकर वही वर्ल्ड कप का मैच जो है वो विश्व कप का मैच वो देख रहे थे, जैसी तस्वीरें उनके सोशल मीडिया पर भी डाली गई हैं। उन्होंने अपने जो तस्वीर है वो पोस्ट करते हुए लिखा है हैशटैग फीफा वर्ल्ड कप। वो मैच जो है वो आराम से देख रहे थे। अब उसी फोटो को एडिट करते हुए अनिकेत नामक यूज़र ने जो टीवी स्क्रीन पर पठान का पोस्टर लगा दिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लेकिन लोग समझ चुके थे और ये समझ चुके थे कि ये जो पूरे पोस्ट है वो एडिटेड पोस्ट है और जो भी जिसने ये शरारत की है वो उसने पूरी तरीके से यहाँ पर गलत दावा किया है, गलत पोस्ट किया है। तो ये जो दावा है वो गलत है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पठान का समर्थन किया हो। हालांकि वो तस्वीरों में देख सकते हैं कि पठान का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो फिल्म नहीं देख रहे थे, वो सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल देख रहे हैं, जिस तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब वायरल हुई हैं। हालांकि लोग उन्हें भी खूब पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं, जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन्हीं के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की भी अपने परिवार के साथ फीफा वर्ल्ड कप देखते हुए तस्वीरें सामने आई, उसको भी लोग सराह रहे हैं और लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी उस पर दे रहे हैं। तो आपको कैसी लगी ये खबर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।